नमस्कार, जय हिंद। आईसीएनडी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में है। इस कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है। थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। यहाँ पर वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का उसे अवार्ड मिला है। इसका नाम क्या है? ये सहरसा जिले में कंपनी काम करती है, सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था, उसी में इस कंपनी को उस कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने बताया कि 13 जून 2018 को कंपनी गठन के समय 140 जीविका दीदियां इससे जुड़ी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें महिलाएं पूरी तरीके से काम करती हैं। और ये जो कंपनी है उसने मक्का की खरीद बिक्री का काम शुरू किया था, 15,70,000 रुपये से कारोबार शुरू किया था और 1.5 साल बाद ये 1,32,00,000 तक इनका कारोबार पहुँच गया। ठीक है, तो काफ़ी मतलब प्रॉफिट से ये काम कर रही हैं और ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी एक तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब आप मेंस लिखें तो, और स्पेशली अगर बिहार के संदर्भ में पूछा जाए तो इसको ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका काम क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसका काम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन या उनके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास कहाँ तक इफ़ेक्टिव हैं, प्रभावी साबित हो रहे हैं, अगर प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं तो उसके संबंध में सरकार को सुझाव देना, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अन्याय की जाँच करना, ये सारे काम करता है अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो इसके लिए एक शिकायत अगर दर्ज करवाना है तो इसके लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में हमने बात किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारम्भ किया। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अनुसूचित जाति के जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी शिकायत को ऑनलाइन मोड में दर्ज करवा सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से से आप इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाया किसके द्वारा गया, तो इस पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के सहयोग से बनाया गया है। और इस पोर्टल पर ऑडियो वीडियो, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करने की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, पूर्व बैंकर गुइलेर्मो लासो ने इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इक्वेडोर कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इक्वेडोर के प्रेसिडेंट के रूप में ये बैंकर थे पहले, गुइलेर्मो लासो। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और वह क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हैं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छा नाम है पॉलिटिकल पार्टी का, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और लगभग 52.4% वोट हासिल किया। बस यहाँ पर और चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया। जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चुनौती है और न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है और यह बिल जो है वो अपनी तरह का दुनिया का पहला बिल है। और न्यूजीलैंड ने टारगेट किया है कि हम कार्बन न्यूट्रल बनने की समय सीमा 2050 तय किया है। कार्बन न्यूट्रल में क्या होता है कि 2050 तक क्या होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड से जितना भी कार्बन प्रोड्यूस होगा उसको एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता न्यूजीलैंड के संसाधनों में विद्यमान होगी। जैसे सपोज़ 2050 के बाद अगर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित होता है तो यहाँ पर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ के पेड़ पौधे वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मतलब जो पर्यावरण में नेट कार्बन जाएगा वो क्या, ज़ीरो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं। आगे चलें, विधेयक की इसमें क्या खास बात है, तो यहाँ पर जो बीमाकर्ता हैं, बैंक हैं, निवेश प्रबंधक हैं, उनको जलवायु परिवर्तन पर अपनी फंडिंग के प्रभाव की रिपोर्ट देनी होगी। मतलब कुल मिलाकर के जलवायु परिवर्तन से निपटने में जो कंपनियां हैं उनको जिम्मेदार बनाना, उनको अपने काम के प्रति जिम्मेदार बनाना। ठीक है, यहां पर देखें, न्यूजीलैंड ने जिन बैंकों की कुल संपत्ति $1 बिलियन से अधिक है उन्हें अब परिसंपत्ति प्रबंधन के बारे में भी जानकारी देनी होगी कि वो अपने एसेट को कैसे मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। सुशील चंद्रा बने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है,
देखिए, भारत में एक सूचना सॉरी चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। चुनाव आयोग का काम क्या है, यहाँ पर दो चुनाव आयोग मिलेंगे आपको, एक राज्य में मिलेगा और एक केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग है ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। सुशील चंद्रा बने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। पहला पॉइंट तो आपको नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है, सुशील चंद्रा, ठीक है। और ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इससे पहले अभी तक कौन थे, सुनील अरोड़ा, इनका स्थान इन्होंने लिया है। इससे पहले याद रखना, ये जो सुशील चंद्रा ये पहले CBDT में थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में हम देखेंगे, यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है, पहला पॉइंट, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324, ठीक है। केंद्रीय चुनाव आयोग का काम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषदों, इनका चुनाव आयोजित करवाना, ठीक है। जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो बंगाल का चुनाव कौन करवा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग करवा रहा है। लेकिन एक तरफ बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और उसी समय उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो जो पंचायतों का चुनाव करवाया जा रहा है वो कौन करवा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग, जी नहीं, पंचायतों के चुनाव के लिए नगर पालिका नगर निगम के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, यही अगर यूपी की विधानसभा का चुनाव होगा तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग वहाँ का चुनाव करवाएगा, क्लियर, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना हुई वो 25 जनवरी 1950 को आर्टिकल 324 के अनुसार की गई थी। चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। हाल ही में बिहार के किस जिले के वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, तो उसका नाम क्या है, सहरसा, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस आयोग ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट, गुइलेर्मो लासो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, पेरू, ब्राजील, इक्वेडोर, मेक्सिको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वेडोर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में सुशील चंद्रा को कौन से क्रम का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो कौन से, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों ये राज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।